गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ पोएट्री पोएम नंबर वन। प्यारे बच्चों, आपका बहुत सारा स्वागत है मेरी यूट्यूब क्लास में। आप पढ़ रहे हैं प्रीति मैम के साथ में क्लास टेंथ में पोएट्री सेक्शन इंग्लिश का पोएम नंबर वन द फाउंटेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम नंबर वन द फाउंटेन। सबसे पहले आप इसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए। द फाउंटेन का मीन्स होता है फव्वारा। आपने देखा होगा फव्वारा, नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट से वाटर बहुत प्रेशर के साथ में ऊपर जाता है, फिर वो वापस लौट के आता है, दैट्स कॉल्ड द फाउंटेन। तो और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है जेम्स रसेल लोवेल। जेम्स रसेल लोवेल ने इस पोएट्री को लिखा है 1819 एंड 1891। ये इनका जन्म और मृत्यु का सन है। आपको ये बहुत अच्छे से बेटा याद रखना है। अब धीरे धीरे, अभी देखिए आपका टेंथ है, जैसे जैसे आप अगली आगे क्लासेस में लिटरेचर पढ़ेंगे तो ये बहुत जरूरी होगा आपके लिए जानना कि कौन से पोएट का जो बर्थ टाइम है और जो डेथ का टाइम है वो क्या था। ठीक है, तो अब पोएम पे आते हैं। पहला स्टैंजा है इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। सॉरी, ये टाइपिंग में MOR हो गया है, ये मॉर्न है, शायद ये टाइपिंग की थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है बेटा। तो इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट कहते हैं जो फवारा है वो सनशाइन में यानी सूर्य के प्रकाश में कैसा दिखता है, फुल ऑफ द लाइट यानी प्रकाशमान दिखता है, बहुत ज्यादा रोशनी से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ दिखता है सनशाइन में यानी सूर्य के प्रकाश में। अब ये अंडरस्टूड है कि सूर्य के प्रकाश में दिखता है तो कब दिखता है, दिन में, क्योंकि बच्चों सूर्य का प्रकाश कब होता है, दिन में होता है। ठीक है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग का मतलब होता है उछलना एंड फ्लैशिंग मतलब फ्लैश चमकना, लीप करता है और फ्लैश करता है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, सुबह से लेकर रात तक जो फाउंटेन है वो लगातार लीप करता रहता है, उछलता रहता है, लगातार फ्लैश करता रहता है, चमकता रहता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में जो फवारा है वो फुल ऑफ द लाइट दिखता है यानी प्रकाश से भरपूर दिखता है, रोशनी से भरा हुआ दिखता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग लगातार अब उछलता हुआ आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखता है, फ्लैशिंग चमकता हुआ दिखता है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यानी सुबह से लेकर के रात तक लगातार। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ, इन टू द मून लाइट। अब मून बेटा कब आता है, रात को, तो मून लाइट का मतलब क्या हुआ, चंद्रमा के प्रकाश में। तो इन टू द मून लाइट चंद्रमा के प्रकाश में व्हाइटर देन स्नो, व्हाइट वाटर व्हाइटेस्ट आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, तो व्हाइटर क्या हो गया, और ज्यादा सफेद देन स्नो, बर्फ, बर्फ का हम लोग सफेद के लिए बर्फ का यूज करते हैं, बर्फ जैसा सफेद, लेकिन यहाँ पे मून लाइट में चंद्रमा के प्रकाश में जो फव्वारा है वो बर्फ से भी बहुत ज्यादा सफेद दिख रहा है। वेविंग सो फ्लावर लाइक विन द विंड्स ब्लो, वेव करना मीन्स क्या क्या होता है, लहराना, जैसे कोई फ्लावर लहराता है, जैसे आप देखते हैं जब हवा चलती है, विन द विंड्स ब्लो, विंड मीन्स जब द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, विंड्स मीन्स हवा और ब्लो मीन्स चलना, हवा के चलने के लिए ब्लो का इस्तेमाल करते हैं, तो विन द विंड्स ब्लो जब हवा चलती है तो ये जो फवारा है ये कैसे वेव करता है, जैसे कोई फूल हवा चलने पर हिलता है या वेव करता है या लहरा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इसका रिविजन करते हैं, इन टू द मून लाइट व्हाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक When the winds blow, यानी चंद्रमा के प्रकाश में फवारा कैसा दिखता है, बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखता है, बर्फ तो सफेद है ही लेकिन चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा के प्रकाश में, मून लाइट में जो हमारा फाउंटेन है वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिख रहा है। एंड वेविंग सो फ्लावर लाइक, और वो ऐसे वेव करता है जैसे कोई फ्लावर वेव करे, जैसे कोई फूल हवा चलने पर वेव करता है, मतलब लहरा जाता है, हिलता है, कब, when the winds blow, जब winds चलती है, जब हवा चलती है। ठीक है, तो ये दो स्टैंजा है बेटा, और अब इन दो स्टैंजा के बाद में मैं कॉम्प्रिहेंशन आपको सिखाने जा रही हूं, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। स्टैंजा फोर कॉम्प्रिहेंशन, इन टू द मून लाइट से द विंड्स ब्लो तक,
तो ये आपका सेकंड स्टैंजा जो मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है इन द मूनलाइट, उस स्टैंजा के लिए कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन में बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके आंसर्स आपको ऊपर दिए गए स्टैंजा को पढ़कर देने हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने क्वेश्चन और साथ में आंसर्स भी दिए हैं और आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि किस तरह से आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द राइट द टाइटल ऑफ दिस पोयम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइंस ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। राइट द टाइटल ऑफ द पोयम, इस पोयम की टाइटल लिखिए। टाइटल मीन्स नाम, शीर्षक। शीर्षक होता है किसी पोयम का, जैसे इस पोयम का शीर्षक क्या था बेटा, द फाउंटेन। वैसे फ्रॉम विच, जिससे, द अबव नोटेड लाइंस ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन, जिससे ये जो ऊपर की लाइंस ऑफ पोएट्री है ये ली गई है। तो बेटा इसका सीधा आंसर है द फाउंटेन, लेकिन हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि हम लिख देंगे द फाउंटेन। एक आंसर का भी फॉर्मेट होता है, तो जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वैसे ही हम आंसर की लैंग्वेज भी लिखते हैं। ठीक है बेटा, आप क्लास टेंथ में हैं, आप अभी से सीखिए कि कैसे हम आंसर की लैंग्वेज फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन ने पूछा राइट द टाइटल ऑफ दिस पोयम, राइट मीन्स लिखिए, क्या लिखिए, द टाइटल ऑफ दिस पोयम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइंस ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। तो हम क्या करेंगे, राइट को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे द टाइटल ऑफ दिस पोयम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइंस ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन इज। इसके बाद हमारा आंसर क्या है, द फाउंटेन। अब द फाउंटेन में हम क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स बताइए। बेटा राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, पहले आप समझ लीजिए, ऐसे वर्ड्स जो बोलने पर जो जिनका तुक होता है, इंग्लिश में राइम कहते हैं, हिंदी में तुक कहते हैं, वो लास्ट में अंत में मिलता है। जैसे हमने कहा गाना खाना, तो जब ये अंत में ना ना मिल रहा है बोलने में, इसको ही हिंदी में राइम्स कहते हैं इंग्लिश में। अब इस पोएम में कौन से वर्ड्स हैं जो आपस में राइम कर रहे हैं, जो आपस में राइम करेंगे उन्हें बोलेंगे राइमिंग वर्ड्स। तो देखिए मूनलाइट फ्लावर लाइक से राइम कर रहा है और स्नो ब्लो से कर रहा है। मूनलाइट फ्लावर लाइक, मूनलाइट फ्लावर लाइक, मूनलाइट फ्लावर लाइक आपस में राइम कर रहे हैं, एंड स्नो ब्लो, स्नो ब्लो, स्नो ब्लो ये भी आपस में राइम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे पेयर बना के लिख लेंगे, एक पेयर मूनलाइट फ्लावर लाइक का और एक पेयर स्नो ब्लो का। तो आंसर देखिए कितना सिंपल है, क्वेश्चन पूछा गया पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, आंसर क्या हुआ, द वर्ड्स मूनलाइट फ्लावर लाइक एंड स्नो ब्लो आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। जो भी आपको वर्ड्स लग रहे हैं वो वर्ड्स लिख लीजिए, फिर आप लिख दीजिए आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, ये इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके बेटा, तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट, किस तरह का मूवमेंट वेविंग सजेस्ट करता है। द वर्ड वेविंग, देखिए जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड की बात करेंगे तो वो शब्द क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा में आ जाता है अंदर। तो वेविंग जो शब्द है वो किस तरह का मूवमेंट बता रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था वेविंग शो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, इस स्टैंजा में हम लोगों ने यही पढ़ा ना, ऊपर आप देखेंगे लिखा होगा वेविंग शो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो कैसे वेव करता है, जैसे कोई फ्लावर वेव कर रहा हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, द वर्ड वेविंग सजेस्ट, यहाँ पे सजेस्ट को सजेस्ट क्यों किया गया, क्योंकि क्वेश्चन में डज था और जब डज होगा तो आंसर में यस यस तो लगाएंगे क्योंकि डज हटाएंगे। तो वेरी सिंपल बेटा, द वर्ड वेविंग सजेस्ट द मूवमेंट लाइक फ्लावर, किसकी तरह मूवमेंट सजेस्ट कर रहा है, फ्लावर की तरह। एक बार फिर से देख लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट, जो वर्ड वेविंग है वो किस तरह का मूवमेंट सजेस्ट कर रहा है। तो द वर्ड वेविंग सजेस्ट द मूवमेंट लाइक फ्लावर, एक फूल की तरह मूवमेंट बता रहा है। तो तीन क्वेश्चन हो गए हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट, फाउंटेन का मूनलाइट में क्या कलर है, यानी फाउंटेन जो है वो मूनलाइट में कैसे रंग का दिख रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब चंद्रमा की रोशनी में वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिख रहा है, पढ़ा था ना बेटा। तो क्या करेंगे, इन द मून लाइट द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो, फिर से पढ़ते हैं, इन द मून लाइट द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से
इसका मीनिंग हुआ कि मूनलाइट में फाउंटेन बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिख रहा है। ठीक है बेटा, तो अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बताया, इस तरह से आप कॉम्प्रिहेंशन एक बार अच्छे से और समझेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार जो है लिख भी सकते हैं आप। फिर क्या करेंगे आप कि इन क्वेश्चंस को अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके बाद मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इसके आगे के जो स्टैंजा है उनको मैं आपको बताऊंगी। चलिए चलते हैं। हम जिस पोएम को पढ़ रहे थे, पोएम वन द फाउंटेन, तो ये दो स्टैंजा हमने आज पढ़े। और मेरा जो बेटा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं अपने पोएम के जो अगले स्टैंजा है मैं उन्हें बताऊंगी और उनका भी कॉम्प्रिहेंशन आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए कि टेंथ में जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है इसमें बेटा आप फोर लाइन्स की पोएम लिखते हैं या फिर सेंट्रल आइडिया, दोनों चीजें। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको पोएट्री बहुत अच्छे से लिखनी आती है, आप लिख लेते हैं तो बेहतर होगा आपके लिए लिखना। आप उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज मैं आपको सेंट्रल आइडिया लिखना भी सिखाऊंगी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसको आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कॉम्प्रिहेंशन कैसा लगा, समझ में आया, और कोई कमी हो तो भी बेटा जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।